इन दिस क्वेश्चन हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जिसको हम डिनोट करते हैं न्यू न्यू एक सिंबल होता है फ्रिक्वेंसी का जैसे वेलोसिटी का वी होता है इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे दिस इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस पे डिपेंडेंस गिवन हो पहले हम वो लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पे ऑफ स्ट्रिंग दैट इज़ न्यू डिपेंड करेगी एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेंशन दैट इज टी टेंशन एक फोर्स होता है जो स्ट्रिंग में लगता है जैसे स्ट्रिंग है इसमें फोर्स की जगह हम इसको टेंशन से डिनोट करते हैं कैपिटल टी एंड मास पर यूनिट लेंथ फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्मॉल एम ये मास नहीं है ये हमें गिवन है मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे मिस्टेक मत करना कभी डायमेंशन इसकी मास की लिख दो बट ये मास पर यूनिट लेंथ है तो ये तीन हमें टर्म्स गिवन है इनका यूज़ करके हम अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस थ्री हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी एल पे ऑल्सो टी टेंशन एंड मास सॉरी मास पर यूनिट लेंथ एम अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है लेंथ पे पर लेंथ के किस फॉर्म में डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी इक्वल है लेंथ के स्क्वायर के या क्यूब पे यह हमें कुछ गिवन नहीं है ना कि लेंथ की क्या पावर होगी तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ की कुछ पावर होगी ए टेंशन की पावर बी एंड मास पर यूनिट लेंथ की पावर सी ये हमने लेट की है पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए बी एंड सी जो कॉन्सटेंट है वहाँ से हमारे फ्रिक्वेंसी का फॉर्म आ जाएगा तो ये साइन हटा के कुछ कॉन्सटेंट लगेगा के एल पावर ए टेंशन टी पावर बी एंड एम की पावर सी ये हमारी आ गई इक्वेशन वन अब सेकंड स्टेप है इन सब की हम डायमेंशन पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी टी तो फ्रीक्वेंसी आ गई टी माइनस वन तो इसके डायमेंशन लिखेंगे एम जीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है इसको ऐसे ही रहने देंगे एल एल लेंथ है लेंथ की डायमेंशन होती है एल वन की पावर हमें पहले गिवन है जो हमने लेट की थी एरे टेंशन टी टेंशन फोर्स की डायमेंशन होगी टी इज इक्वल टू फोर्स फोर्स की डायमेंशन क्या होती है मास इनटू टू मास की एम वन एंड एक्सलेशन एल वन टी माइनस टू तो ये हम पुट करेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू तो इस कम्प्लीट पावर है बी फेयर एम एम है मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट लेंथ मास की डायमेंशन क्या होती है एम वन एंड लेंथ क्या आ गई एल वन तो इस स्मॉल एम की क्या आ गई डायमेंशन एम वन एल माइनस वन तो इसे हम पुट करेंगे एम वन एल माइनस वन इसकी पावर सी तो नेक्स्ट स्टेप आता है हम इसको पावर को मल्टीप्लाई करके कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रहेगा एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन इजिक्वल टू के एल रेस्टू पावर वन और पावर है ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन ए ए हेयर एम की पावर वन और पार है बी एम टू पावर बी एल की पावर वन इन बी बी टी माइनस टू इंटू बी माइनस टू बी इधर आ गया यह हमारी सी थी एम वन इंटू सी एम की पावर सी एल रेस्ट टू पावर माइनस वन इंटू सी माइनस सी अब इस फॉर्म में एम एल टी के फॉर्म में हम इनको लिखेंगे इजिक्वल टू के तो पहले एम आएगा एम रेस्ट टू पावर बी एंड एम रेस्ट टू पावर सी बेस सेम है तो पावर सेड हो जाएंगी बी प्लस सी अब क्या आता है एल एल रेस्ट टू पावर ए एंड रेस्ट टू पावर बी ए प्लस बी पावर्स ऐड करते जाओ एंड माइनस सी ऐसे टी टी माइनस टू बी और लेफ्ट साइड सेम रहेगा एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन अब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है तो इनकी पावर्स जो होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी सेम बेस की तो यहाँ मास की पावर है एम की बी प्लस सी और लेफ्ट साइड क्या है एम रेस टू पावर जीरो सो बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो नाव एल ए प्लस बी माइनस सी माइनस सी इक्वल टू एल रेज टू पावर ज़ीरो पावर्स को बस लेफ्ट और राइट साइड सेम रखना है इधर है माइनस टू भी और टी की पावर इधर है माइनस वन ये तीन इक्वेशन आ गई यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अपनी जो इक्वेशन वन है वहाँ पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अब इधर देखो यहाँ से माइनस कैंसिल तो बी आ गया वन बाय टू एक हमें मिल गया बी की वैल्यू यहाँ बी की पुट करेंगे वन बाय टू प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो तो सी आ गया माइनस वन बाय टू इन दोनों की वैल्यूज हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए प्लस बी कितना है वन बाय टू माइनस सी कितना है माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो तो ए प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से हमारा आ गया ए इज इक्वल टू माइनस वन तो हम ये तीन वैल्यूज यहाँ लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू माइनस वन बी इज इक्वल टू वन बाई टू एंड सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इन तीनों इक्वेशन को अब मेन इक्वेशन में पुट करेंगे हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई इज इक्वल टू के एल रेज टू पावर ए कितना माइनस वन टी पावर बी हाफ एंड एम रेस्ट टू पावर सी विच इज़ माइनस वन बाय टू तो न्यू इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है पावर माइनस वन है इट मीन्स डिनोमिनेटर में के बाय एल टी रेस्ट टू पावर वन बाय टू वन बाय टू का मतलब स्क्वायर रूट टी एंड एम रेस्ट टू पावर माइनस वन बाय टू इसका भी स्क्वायर रूट होगा लेकिन डिनोमिनेटर में एम तो so, यहाँ से न्यू आ गया हमारा के बाय एल अंडर रूट टी बाय एम ये हमारा फॉर्मूला आ गया जहाँ पे एम क्या था मास पर यूनिट लेंथ